हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है पीरियड एंड प्रेगनेंसी से संबंधित। दोनों ही समस्याएं अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का संबंध एक दूसरे से है। ये एक ऐसी समस्या है जिससे हर महिलाओं को इसे गुजरना पड़ता है, हर बालिकाओं को गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पीरियड से संबंधित समस्या। तो पीरियड की समस्या एक ऐसी समस्या है कि जब हमें पीरियड होते हैं तो जो हमें पेन होता है, जो दर्द होता है, वो इतना कष्टदायक होता है कि कभी कभी हम उनसे सहन भी नहीं कर पाते हैं। और उस दर्द के कारण हमें कभी कभी वॉमिटिंग भी होती है, कभी हमें चक्कर भी आते हैं, और बार बार कभी हमें टॉयलेट में जाने का मन करता है, क्योंकि जो पेन होता है ना वो इतना दर्द भरा होता है, और इतना दर्द होता है कि हमें सहन भी नहीं होता है, तो उसके लिए हमें टैबलेट तक लेनी पड़ती है। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये समस्या हमारी घर के ही कुछ नुस्खे से इसका समाधान हो सकता है। तो को हर महीने गुजरना पड़ता है। अब गाइस, सबसे बड़ी बात होती है कि दर्द ये होता क्यों है। तो दर्द हमारा कभी कभी इस नेचुरल होती है, ये चीज़ है। कभी कभी दर्द हमारा इसलिए भी होता है कि जो हमारे जो पीरियड होता है, शुद्ध भाषा में कहूँ जो हमें पीरियड है ना, खुल के नहीं आता या साफ नहीं होता या क्लियर नहीं होता है, तो उस कारण हमें पेन होता है, दर्द होता है। तो जब तक हमारा वो जैसे कि क्लियर नहीं होगा हमारा पीरियड या रुक रुक के आएगा हमें, तो हमारे पेन की समस्या बनी रहेगी। तो इसके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको डेमो करके भी दिखाऊंगी कि हमें बर्फ की सिकाई हमें किस तरह से करनी चाहिए। तो चलिए आप, तो देखिए गाइस, ये है बर्फ का टुकड़ा, और आप कोई भी कपड़े की सहायता से ऐसे रख लीजिए, और आपको ये आपको करना है गाइस इस तरह से, यहाँ से या नाभि से नीचे इस तरह से आपको कम से कम गाइस आपको 10 मिनट तो करनी है गाइस। और अगर आपकी 10 मिनट से ज़्यादा कर सकें तो 10 मिनट से ज़्यादा आप करना, 10 मिनट तो आपको करनी है गाइस इस तरह से ठहराते हुए, यहाँ नाभि से नीचे इस तरह से, फिर आप ऐसे ले जाओ, इसको इस तरह से आप ऐसे ले जाओ यहाँ इस जगह, इस तरह से आपको करनी है। ये जो नाभि से नीचे का हिस्सा है, यहाँ इस तरह से आप, और आपको जल्दी जल्दी नहीं करनी है, ठहराते ठहराते हुए करनी है गाइस। थोड़ी देर रुकिए, फिर थोड़ी देर रुकिए, इस तरह से आप। तो गाइज़, आप लेट कर भी कर सकते हैं, आप पलंग पर लेट कर भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप, और अगर आपको लगता है कि आपका ये साइड में गीला हो रहा है, तो आप कपड़ा रख सकते हैं, कोई भी कपड़े की सहायता, दोनों साइड में आप कपड़े को भी लगा सकते हैं अगर आप लेट के करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से आप करना, आइस पूरी आइस को आपको, और ये आइस पूरी आपकी पूरी आइस की करनी है गाइस। इस तरह से आपकी आइस पिघल जानी चाहिए पूरी, ये जो है इस तरह से आपको करना है गाइस। यहाँ पे यहाँ ठहराते हुए करना है गाइस, रुकिए थोड़ी। तो इस तरह आप जब बर्फ़ की सिकाई करेंगे गाइस, तो यकीन मानिए आपकी जो पीरियड के समय जो आपको दर्द की प्रॉब्लम है, वो आपकी
काफ़ी हद तक सही हो जाएगी और आपको जो दर्द की प्रॉब्लम है हो सकता है बिल्कुल चली ही जाए, आपको दर्द नहीं हुआ। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने भी जब इस बर्फ़ के टुकड़े से मैंने भी जब सिकाई की थी तो मेरी ये समस्या ख़त्म ही हो गई थी। और यकीन कीजिए गाइस, मुझे अभी आज तक दर्द नहीं होता है। मतलब ये समस्या मैं अनमेरिटी तभी जब मैंने ये नुस्खा यूज़ किया था तभी ख़त्म हो गई थी। और आप 2 या 3 बारी आप यूज़ करोगे तो आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बाई चांस अगर नहीं हो रहा है तो आप इस प्रक्रिया को करते रहिए, क्योंकि इसके करने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप करते रहिए गाइस। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के संबंधित। तो प्रेगनेंसी की बात कहेंगे गाइस कि जब हमारा प्रेग्नेंट होना हर महिला का सपना होता है। शादी होने के बाद में हर महिला चाहती है कि भैया मेरी गोद में एक सुंदर सा बच्चा हो। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो वो टूट जाती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महिला चाहती है कि वो माँ बने, और माँ बनने का सपना हर महिला का होता है। लेकिन फिर भी कोई छोटी मोटी समस्याएँ होती हैं जिनके कारण हम कभी कभी भी नहीं माँ बन पाते हैं, वो हमारे घरेलू नुस्खे से भी समाधान हो जाता है। जो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यूटेरस पे बच्चेदानी पे सूजन होती है हमारी, और उस कारण भी हम पीरियड हमारे नहीं चढ़ती हैं या हम प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, और हम बहुत दवाई बहुत कराते हैं, डॉक्टरों को बहुत दिखाते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो आपको सेम प्रोसेस वही करना है जो पीरियड के समय जो बर्फ़ की सिकाई वाला प्रोसेस है, वही सेम आपको करना है। आप करके देखिएगा और यकीन मानिए आपके जो भी सूजन होगी, कोई भी समस्या होगी, वो आपकी उससे काफ़ी हद तक आपको उसे आराम मिलेगा, समाधान भी होगा। बर्फ़ की सिकाई से आपकी किसी भी तरह की सूजन हो, कुछ भी आपकी नलियाँ रुक रही हों, वो सब क्लियर हो जाएगी। तो मेरे को तो इस टॉपिक पे वीडियो बनानी थी तो मैंने आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप डॉक्टर की सलाह को ध्यान में रखते हुए ही करें, आप डॉक्टर से परामर्श लें तभी ये अपनाएं। और मेरा मकसद तो बस यही है कि सभी महिलाओं को ये सौभाग्य मिले माँ बनने का। और गाइज, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों।